Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? शायद अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर हर बाइक के डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, वैसे ही आज का मेरा टॉपिक है यामाहा सेलूटो RX 110। तो चलिए पहले एक इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद लौट आते हैं। तो दोस्तों, यामाहा सेलूटो RX 110। तो पहले जान लेते हैं ओवरव्यू एंड इंजन परफॉर्मेंस। इसका 110cc के डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका इंजन है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve SO AC इंजन। दोस्तों, इसका BHP मतलब बेसिक हॉर्स पावर जो कि 7.5 PS एट 7500 RPM। तो चलिए अब मैक्स टॉर्क के बारे में जानते हैं। मैक्स टॉर्क है 8.5 Nm एट 4500 RPM। इसका इग्निशन है TCI मतलब टेक्नोलॉजीज कलेक्टेड इग्निशन। और दोस्तों, इसका कूलिंग सिस्टम जो कि पहले ही बताया चुका है एयर कूल्ड। तो चलिए वीडियो को आगे ले जाते हैं और ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं। ट्रांसमिशन टाइप है चेन ड्राइव, गियर बॉक्स इसका मैनुअल और क्लच है वेट मल्टीपल क्लच। तो दोस्तों, अब हम फ्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका माइलेज है 82 km/L और इसका टॉप स्पीड है 95 km/h। इसका फ्यूल कैपेसिटी है 7.2 लीटर, मतलब बढ़िया एक फ्यूल कैपेसिटी के साथ आपको ये बाइक मिलेगा। और फ्यूल रिजर्व में रहता है 1.6 लीटर। दोस्तों, बाइक चलाने के टाइम पे तो रुकना पड़ता है ना, तो ब्रेक के बारे में ऑब्वियसली जानना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग टाइप है यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक जो कि ड्रम है, एंड फ्रंट ब्रेक डायमीटर एंड रियर ब्रेक डायमीटर जो कि सेम ही है 130 mm। तो दोस्तों, आप बात करने जा रहे हैं व्हील्स एंड टायर्स के बारे में। इसका व्हील टाइप है एलॉय, व्हील साइज जो कि फ्रंट एंड रियर का सेम ही है 17 इंच। टायर टाइप है ट्यूबलेस एंड टायर साइज फ्रंट का है 2.75 एंड रेयर का है 3.00। दोस्तों, बाइक चलाने के टाइम पे चेसिस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप चेसिस के बारे में बात करते हैं। इसका चेसिस टाइप है डायमंड एंड बॉडी टाइप है कम्यूटर बाइक्स। फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन एंड रेयर सस्पेंशन है स्विनियम। दोस्तों, एक बाइक का हाइट, वेट एंड लेंथ पता चलता है उसका डायमेंशन के बारे में जान के। तो चलिए अब डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। इसका लेंथ है 2020 mm, इसका हाइट है 1045 mm, इसका वेथ है 745 mm, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm, इसका सैडल मतलब सीट हाइट है 785 mm, इसका कर्ब वेट 99 kg एंड इसका व्हील वेथ है 1025 mm। एट लास्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो चलिए पहले इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं। इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है DC सिस्टम 12 वोल्ट। इसका बैटरी कैपेसिटी है AB5L 12 वोल्ट 5 एम्पियर। तो चलिए अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसका हैंडल टाइप है सिंगल पीस, सीट टाइप भी सिंगल पीस विथ लॉन्ग सीटेड, हेडलाइट टाइप हैलोजन एंड बल्ब जो कि 12 वोल्ट 35 एम्पियर एंड टेल लाइट है इसका 12 वोल्ट 21 एम्पियर। दोस्तों, यहां तक था यामाहा सेलूटो RX 110 के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, अगर आपके बाइक के अंदर क्या चीज़ रहता है इसको आपको नहीं पता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चला जाइए, हमारा हर एक पार्ट के बारे में सब वीडियो बना हुआ है। तो आके देख लीजिए क्या क्या चीज़ रहता है आपके बाइक के अंदर। तो आज के लिए चलने का इजाज़त चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।